हेलो फ्रेंड्स, तो यार सबसे पहले आप सबको हैप्पी दिवाली। बहुत अच्छे से मजे करना यार, पटाखे फोड़ना है फोड़ो, नहीं फोड़ना मत फोड़ो, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। तो खैर दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं राम सेतु के बारे में। तो देखो, कल यानी कि 25 अक्टूबर को दो मूवीज आने वाली है, एक अक्षय कुमार की राम सेतु और दूसरी अजय देवगन की थैंक गॉड। अब थैंक गॉड की बात हम लोग कर चुके हैं, मैं अपनी एक्साइटमेंट भी जाहिर कर चुका हूं, लेकिन अब राम सेतु पे आते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम राम सेतु के उन सभी फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको राम सेतु मूवी देखने से पहले पता होनी चाहिए। तो इसलिए यार इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, ये बात है 2005 की, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दर्ज की कि जो पत्थरों का पुल रामेश्वरम से श्रीलंका को कनेक्ट करता है उसको तोड़ दिया जाए, क्योंकि इन पत्थरों की वजह से जो समुद्री जहाज है वो आना जाना नहीं कर पा रहे। लेकिन भाई यहाँ पे बात आ गई रामायण की, यहाँ पे बात आ गई राम सेतु की। लोगों का ऐसा कहना था कि जो पुल रामेश्वरम को श्रीलंका से कनेक्ट कर रही है वो कोई और पुल नहीं, कोई मामूली पुल नहीं, बल्कि राम सेतु है, जिसको एक्चुअली में 7000 साल पहले बनाया गया था राम भगवान के द्वारा, मतलब राम भगवान के द्वारा नहीं, नल और नील के द्वारा, ताकि राम भगवान और उसकी जो पूरी वानर सेना थी वो श्रीलंका जा सके। मैं अच्छे से बता रहा हूं ना भाई? हाँ बता रहा हूँ। लेकिन दोस्तों चलो, इतना तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा भाई कि रामायण 7000 साल पुरानी कहानी है, ये है वो है दिस दैट, सब आप लोगों को मालूम ही होगा। लेकिन 2005 में जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बात की मांग की थी कि राम सेतु को तोड़ दिया जाए, तो उन्होंने ये कहा कि भाई इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं है कि यही राम सेतु है। तो भाई इसका प्रूफ आखिर है क्या? तो प्रूफ क्या, ये तो मैं आप सबको आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले ये बात करते हैं कि क्या सच में 7000 साल पहले इस पुल को बनाया गया भी था या फिर नहीं। तो भाई हाँ, 7000 साल पहले इस पुल को बनाया गया था, ये साइंटिस्ट ने ही प्रूफ किया है, वो भी नासा के साइंटिस्ट ने, जिसके बारे में मैं आगे बता रहा हूँ। लेकिन यार कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं ना कि 7000 साल पहले इस पुल को आखिर बनाया कैसे गया, आखिर पत्थर पानी में तैर कैसे रहे हैं, इसका कोई रीजन है, कोई साइंटिफिक नॉलेज है? तो हाँ है मेरे पास। अब देखो, रामायण के हिसाब से देखा जाए तो नल और नील ने इस पुल को बनाया था, और ऐसा कहा जाता है कि नल जो थे उनको एक वरदान प्राप्त था कि वो जिस भी चीज को पानी के अंदर फेंकेंगे वो तैरने लगेगी। लेकिन भाई ये तो मिथ के तरफ हम लोग चले गए ना, कि हाँ ये तो रियलिटी नहीं हो सकती भाई, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ दो हम लोगों को। तो भाई अब वो सच है या नहीं है, वरदान था नहीं था, मेरे को नहीं मालूम, एंड ऑफ कोर्स किसी को भी नहीं मालूम। लेकिन हाँ, एक साइंटिफिक रीजन है जिससे पत्थर पानी पे तैर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि वोल्केनिक इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी के फटने पर जो पत्थर उत्पन्न होते हैं, उन पत्थरों की, उन रॉक्स की जो डेंसिटी होती है वो पानी से कम होती है, और इसलिए वो पत्थर पानी में जाकर तैर सकते हैं। और जहां तक रामायण की बात है तो यार 7000 साल पहले वोल्केनोस तो बहुत ज्यादा फटते थे, तो इसलिए ऐसा हो सकता है, मैं श्योरिटी नहीं दे रहा इस चीज की, लेकिन ऐसा हो सकता है कि पुल के निर्माण में उन्हीं पत्थरों का यूज किया गया हो, मतलब कि ज्वालामुखी के फटने पर जो पत्थर उत्पन्न होते थे उन्हीं पत्थरों को राम सेतु बनाने के लिए यूज किया गया हो। तो भाई मिल गया साइंटिफिक नॉलेज, अब आगे बढ़ते हैं। तो 2005 में इस राम सेतु को तोड़ने की ऐसा याचिका तो दिला दी गई, लेकिन भाई 1992 में, आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ, 1992 में नासा ने ये सैटेलाइट फोटो जारी की थी, जिससे एक्चुअली में हमारे सामने ये पुल जो है वो सामने आया था। और ऐसा भी कहा जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि जो राम सेतु आज पानी के नीचे डूब चुका है वो 14th सेंचुरी में ऊपर ही था, और उस समय के लोग इस पुल का यूज भी करते थे रामेश्वरम से श्रीलंका जाने के लिए। तब भाई वो तो वही लोग जाने, लेकिन भाई ऐसा कहा जाता है। लेकिन दोस्तों क्योंकि आज हम लोग साइंटिफिकली ही बात कर रहे हैं, तो भाई नासा ने क्या कहा वो जान लेते हैं। तो 1992 में ये पिक तो नासा ने जारी कर दी, फिर 2017 में नासा ने ही कहा ये जो राम सेतु रामेश्वरम से श्रीलंका तक बना हुआ है वो मैन मेड है, क्योंकि भाई जिन पत्थरों का यूज किया गया है वो 7000 साल पहले के पत्थर है। लेकिन भाई इससे क्या प्रूफ होता है कि 7000 साल पहले के पत्थर है तो मैन मेड है? तो भाई हाँ प्रूफ होता है, पत्थर 7000 साल पहले के है, लेकिन उसमें जो सैंड है, जो बालू जिसको बोलते हैं, वो जो बालू है वो 4000 साल पहले का है। तो भाई पत्थर 7000 साल पहले का, बालू 4000 साल पहले का, और पुल को जिस तरह से बनाया गया है, जिस तरह से उसका आकार बना हुआ है, वो कहीं से भी ऐसा नेचुरल नहीं लगता, उसको मैन मेड ही कहा जा रहा है। लेकिन राम सेतु है या नहीं ये पक्का नहीं है, लेकिन भाई 7000 साल पहले रामायण का टाइम, 7000 साल पहले के पत्थर, वहीं जगह, वहीं लोग, नहीं वहीं लोग नहीं, लेकिन सब कुछ वही है, राम सेतु ही होगा भाई, होगा 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 होगा। लेकिन दोस्तों कुछ लोग इसको एडम्स ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। अब एडम ब्रिज इसका नाम कैसे पड़ा,
तो कुछ श्रीलंकन मुस्लिम्स जो थे उनका ऐसा कहना है कि आदम अलैहि सलाम जो कि इस्लाम के पहले प्रॉफिट माने जाते हैं उन्होंने ही सबसे पहले इस पे अपने कदम रखे थे। अब इसमें भी कोई सच्चाई है या नहीं, लेकिन इसका कोई रियलिटी से वास्ता नहीं है भाई। वैसे प्रूफ तो रामायण के भी नहीं है, लेकिन भाई जिस तरह से रामायण की कहानी को लिखा गया है उस तरह से ये पुल उसको साबित कर देता है, तो भाई इसलिए राम सेतु इसको बोल सकते हैं हम लोग। तो दोस्तों ये जो कहानी मैंने अभी तक आप लोगों को बताई है इसी कहानी को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया जाएगा राम सेतु मूवी के अंदर। जाना है, जाकर देखना है, जाकर देख सकते हो। नहीं देखना है, मेरी वीडियो देख लिए तो यार खुश रहो। लेकिन दोस्तों अब मैं जाने से पहले एक और बात कहना चाहता हूँ, राम सेतु मिथ है या रियलिटी है ये मूवी में भी कहा गया था लेकिन अब उसको चेंज कर दिया गया है। लेकिन लोगों के बीच भी एक डिविजन फैला हुआ है, कुछ लोग कहते कि भाई रामायण सच्ची कहानी थी, कुछ लोग उसको मिथ मानते हैं। मेरे केस में मैं यार उसको कुछ भी नहीं मानता, रियलिटी है यार, बहुत अच्छी बात है। अगर मिथ भी है तो भाई इससे फैंटास्टिक स्टोरी कोई भी नहीं लिख सकता था। मैं पर्सनली रामायण की स्टोरी का बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरे को यार बचपन से ही रामायण की स्टोरीज में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था और बस इसलिए ही मैं आदि पुरुष मूवी के लिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। लेकिन भाई हक दिया उन्होंने तो फिर क्या ही कहें हम लोग। लेकिन खैर यार आदि पुरुष की फिर कभी बात करते हैं, फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? यार मजा तो आया ही होगा, मजा आया है, जिंदगी का आनंद मिला है, कुछ सीखने को मिला है अगर, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।